बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे उन बहन भाइयों के लिए, जिन लोगों के बहन भाई, जिन लोगों के छोटे बच्चे, जिन लोगों के बड़े अजीज़, और जिन लोगों के मोहल्ले में, और जो के आपके दोस्त हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जो अभी क्लास 9th में, 10th में, या भी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, उन लोगों को प्रमोट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस सिचुएशन में, और उन लोगों को अभी पता नहीं है कि वो फॉर्म कौन सा है और कैसे प्रमोट किया गया। वो अभी टेंशन में है कि हमें प्रमोट किया गया अभी भी है या नहीं किया गया। तो उन लोगों के लिए खास तौर वीडियो बनाई गई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एहसास प्रोग्राम्स के हवाले से, स्टडी के हवाले से, राशन प्रोग्राम के हवाले से, टाइगर फोर्स के हवाले से, या बेनजीर इनकम सपोर्ट के हवाले से, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, उस इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं भी एक आपके जैसे स्टूडेंट हूँ, आपको रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हकीकत बेस पर देता हूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले और हकीकत मिले, और लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, उनको गाइडलाइन दें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रमोशन फॉर्म है क्या, क्योंकि नाइन्थ वालों को प्रमोट किया गया, टेंथ वालों को भी प्रमोट किया गया, अलेवंथ को भी प्रमोट किया, और सेकंड ईयर को भी प्रमोट किया गया। लेकिन स्टूडेंट अभी परेशान है कि हमें प्रमोट क्यों पता ही नहीं चला हम प्रमोट हुए या नहीं हुए। तो लोगों के अंदर ये माइंड के अंदर ये कन्फ्यूजन है, ठीक है। जैसे मेरे माइंड में भी थी कि दूसरा यार प्रमोट किया गया कि नहीं किया गया, ठीक है, स्टूडेंट कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेरे कज़न भी पढ़ रहे हैं, मैं तो यूनिवर्सिटी लाइफ में हूँ, तो मेरे कज़न भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी इसी माइंड में इसके साथ हैं कि यार अभी दूसरा जिसको प्रमोट हमें कैसे पता चलेगा, कब हमारा रिजल्ट शो होगा। तो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपके सामने मैं एक फॉर्म ओपन करूँगा, ये फॉर्म के अंदर आपको टोटली डिटेल आपको बताई जाएगी, आपने इसके अंदर अपनी डिटेल फिल करनी है, और अपने मुतलका अदारा में जहाँ पढ़ते हैं उस अदारा के अंदर सबमिट करवानी है, ठीक है। आपने ऑफिस में जाके, जो आपका स्कूल ऑफिस है उसमें जाके, प्रिंसिपल के ऑफिस में, या आपके वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस है, वहाँ जाके आपने सबमिट करवानी है, ताकि आपको दूसरा जो प्रमोशन फॉर्म है आपका, आगे जो भी आपका मुतलका बोर्ड है उसको रेफर किया जाए, और आपका पता चल सके कि आपने प्रमोट किया है, ठीक है, आपको प्रमोट कर दिया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँगा, आपको अभी मैं फॉर्म एक शो करवाऊँगा, ये फॉर्म के अंदर आपकी प्रॉपर सारी डिटेल होगी, इसके अंदर आपको डिटेल के बारे में बताया जाएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा इसको डाउनलोड कैसे करना है, कैसे कहाँ से करना है, और ये फॉर्म आपको कहाँ से मिल सकता है, ये सारी डिटेल आपको दी जाएगी। और मैं अपना व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझे पर्सनली कोई भी बात हो तो आप मुझे वहाँ से भी कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला गाइड प्रॉपर तरीके से हर मसले का हल बताऊँगा, चाहे वो एहसास प्रोग्राम के वाले से, टाइगर फोर्स के वाले से, राशन प्रोग्राम के वाले से, या बेंजीन इनकम सपोर्ट के वाले से, या कोई भी लेटेस्ट मोबाइल के वाले से इन्फॉर्मेशन है, जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ताला आपको डिस्कस करूँगा। तो हम चलते हैं अब उस टॉपिक की तरफ जिसके लिए ये खास वीडियो बनाई गई थी, वो है हमारा फॉर्म कैसे ओपन करना है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि फॉर्म ओपन कैसे करना है, क्या नहीं करना, हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा आ जाता है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में डाटा आ जाता है, तो कैसे फॉर्म ओपन करना है। तो उनको मैं ये खास बात बता दूँ उनके लिए, ये दूसरा क्या जिसको क्या करना होगा, उन लोगों को एक दूसरा कह रही, तो WPS प्ले स्टोर से होता है, उस WPS को इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल के अंदर। जैसे ये मेरे पास WPS है, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना है, इसके अंदर आपके हर किस्म की फाइल ओपन हो जाती है, चाहे वो XLS में है, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट फॉर्म में, या वर्ड फॉर्म में, या PDF फॉर्म में, जो भी फाइल है वो आपकी ओपन हो जाएगी। ये ऊपर दिए हुए प्रमोशन कन्फर्मेशन फॉर्म, ये आपका प्रमोशन कन्फर्मेशन फॉर्म ये है कि आपको जब इसमें डिटेल देंगे, आप सबमिट करवाएंगे, तो सारा कुछ इसके अंदर दिया गया होगा, आपका नेम पूछा जा रहा है, ठीक है, आपका रोल नंबर, क्लास रोल नंबर पूछा जा रहा है, उसके बाद जेंडर पूछा जा रहा है, अदर कॉन्टैक्ट आपके मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, फादर का शिनाख्ती कार्ड पूछा जा रहा है, आपका लोकेलिटी मतलब आपका एरिया पूछा जा रहा है, नेशनलिटी पाकिस्तानी है, वो आपकी स्पेशलिटी नन है, डिस्ट्रिक्ट आपका पूछा जा रहा है, और ऑर्फन है, यस है या नो, मतलब ये टीम है या आप ये नहीं है। उसके बाद आपसे पूछे SSC 1, मतलब आप 9th में, SSC सेकंड पार्ट, आप 10th में, या SSC हायर एजुकेशन के हवाले से है, ठीक है, हायर सेकेंडरी इसके हवाले से है, इसके अंदर आपके जनरल फर्स्ट पार्ट है और दूसरा सेकंड पार्ट है इसके अंदर, और जो आप प्रमोट होना चाह रहे हैं पार्ट 1 में, प्रमोट होना चाह रहे हैं पार्ट 2 में, या पार्ट 3 में, ये आपके इसके अंदर है। अगर आप 9th में है तो आपको पार्ट 2, ये SSC के पार्ट 2 में प्रमोट किया जाएगा, अगर पार्ट दूसरा आप 10th में है तो आपको SSC के पार्ट 1 में प्रमोट किया जाएगा, अगर आप पार्ट फर्स्ट ईयर में तो आपको सेकंड पार्ट में, मतलब सेकंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, अपने कॉलेज का नेम देना है, नेम ऑफ द हेड आपका जो भी है उसका नेम देना है, ठीक है, उसके सिग्नेचर करवाने हैं, ठीक है, उसके बाद वो सिग्नेचर खुद ही कर लेंगे जब आप फॉर्म फिल करवाने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उम्मीदवार की जानिब से हलफनामा, मतलब जो अप्लाई करने जा रहा है, जो स्टूडेंट है वो अप्लाई करने जा रहा है, उसकी तरफ से एक हलफनामा होगा, वो इसमें सारा बताया गया कि मैं हलफन करार करता हूँ या करती हूँ कि दर्जा ज़ेर बालग वाइफ मेरे इल्मो यकीन के मुताबिक दुरुस्त हैं, गलत ना मुकम्मल होने की सूरत में दफ्तर को अख्तियार होगा कि वो मेरा प्रमोशन कन्फर्मेशन मसनूख करवा दें, मुझे कोई इतराज़ ना होगा। मतलब आपने अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी तो वो आपका मसनूख कर देंगे, आपका मतलब कैंसिल कर देंगे फॉर्म, और उसके साथ साथ अगर आपकी राइट होगी तो आपके जो कन्फर्मेशन फॉर्म है या प्रमोशन फॉर्म है ये
आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद ये इंग्लिश में है, ठीक है, नीचे एक फॉर्म दिया गया, ये सेम से मतलब वही है। तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे जाके आप वहाँ पे लिख सकते हैं गूगल का प्रमोशन स्टूडेंट प्रमोशन फॉर्म, तो आपको वहाँ एक मिल जाएगा। लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके मेरे से भी ले सकते हैं, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो आपके साथ ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप किसी अंदर अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं, ठीक है, फॉर्म नंबर भी आप दे सकते हैं या ना दे सकें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ये हर स्टूडेंट के लिए मस्ट है, वो नाइन्थ में, अगर टेंथ में प्रमोट हुआ है तो उसके लिए ये मस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर वो टेंथ में हुआ है तो उसके लिए फर्स्ट ईयर के लिए प्रमोशन है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अपने एरिया में सब स्टूडेंट्स को बताएं ताकि वो इस बात के मौर्य ख्याल से, ये मुझे बात आज पता चली, एक दिन पहले मैंने फॉर्म देखा था, आज मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा कि कन्फर्मेशन फॉर्म आया, मैंने कहा जी हाँ आया तो है, लेकिन मैंने फिर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट सर्च की, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, वाकई ये रियल कन्फर्मेशन फॉर्म है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने एरिया में सब स्टूडेंट्स को बताएं, अपने से एरिया में सब स्टूडेंट्स को गाइड करें कि वो प्रमोशन फॉर्म स्टूडेंट कन्फर्मेशन या प्रमोशन फॉर्म है इसको फिल करें और सबमिट करवाएं, जल्दी से जल्दी करवाएं। ये ना हो डेट पास हो जाए, डेट गुजर जाए और आप लोग इस बात से रह जाए, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आपसे डिस्कस की जा सके। आप मुझे यूट्यूब पे नीचे कमेंट करके मुझसे ये वीडियो मांग सकते हैं, मुझे इससे कन्फर्मेशन मांग सकते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो वो आप मुझसे हासिल कर सकते हैं।